स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, AICTE की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो इंजीनियरिंग का सेमेस्टर एग्जाम होता है वो अब हिंदी में भी होगा। आपको बताया कि पहले से जो एग्जाम होते हैं वो ओनली इंग्लिश में रहता था, लेकिन अब है वो हिंदी में भी आपका क्वेश्चंस रहेगा और आप हिंदी में भी चाहे तो आंसर कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं या फिर हिंदी में आंसर कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, बातों को समझ जाते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, जिस कारण वो सेमेस्टर में ज़्यादा फेल करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हिंदी में आपका क्वेश्चंस रहेंगे और आप अपना हिंदी में आंसर करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश की वजह से बहुत सारे लोग फेल करते थे तो वो लोग अब पास है, वो एग्जाम कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो AICTE की तरफ से जारी किया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को और साथ ही में जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो सारे को। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि इस सत्र से MIT सहित सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमेस्टर परीक्षा में दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाएंगे। बताया गया है दोनों भाषाओं में तैयार होंगे प्रश्न पत्र। AICTE ने इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि BE और BTEC छात्रों के लिए सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रश्न पत्र तैयार नहीं किए जाएंगे, सवाल अंग्रेजी के साथ साथ एक भारतीय भाषा में भी तैयार किया जाएगा। अब चूंकि बिहार वाले एरिया में हिंदी बोला जाता है तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में वो तैयार किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े शिक्षकों ने बताया कि हिंदी में सवाल आने से विद्यार्थी हिंदी में भी उत्तर लिख सकेंगे। इससे जो छात्र अंग्रेजी के सवाल होने के कारण उत्तर सही से नहीं लिख पाते थे, अब वो पूरी तरह से सवालों का जवाब दे सकेंगे। इससे छात्रों को पहले के मुकाबले अधिक अंक मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। शिक्षकों से भी वह हिंदी में सवाल पूछ और समझ सकेंगे। दोस्तों, हिंदी कर देने से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्यादातर लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, उनकी इंग्लिश है वो वीक होती है और आपको बता दें कि वो ढंग से लिख नहीं पाते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि हिंदी में भी वो चाहे तो आंसर राइटिंग कर सकते और सेमेस्टर अपना है वो क्लियर कर लेंगे। बाकी आप क्या सोचते हो, हिंदी होने से बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा या फिर बस ऐसे ही ये चला जाएगा? आप अपना ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।